theorem proved that sum of all angles of a triangle is 180. देखिए बच्चे, आपने अक्सर सुना होगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रूव करेंगे कि कैसे हम समझेंगे, कैसे प्रूव कर सकते हैं कि 180 होता है सभी एंगल्स का सम ट्रायंगल का। ठीक है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीत आर्या और आप देख रहे हैं रेडियस क्लासेस, योर सक्सेस इज आवर गोल। लेट्स स्टार्ट। आइए बात करते हैं यहां पे कि एक ट्रायंगल है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे प्रूफ करने का अप्रोच रखेंगे वो समझिए। यहां पे आप देख सकते हो गिवन में पहले लिखने वाले हैं क्या, माना कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो गिवन में लिख दिया लेट ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें सब एंगल है तो इसको हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, टू प्रूव करना है, टू प्रूव में कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान 180 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि तीनों का मान कितना होना चाहिए, सम 180 होना चाहिए, यही आपको प्रूव करना है। तो आइए इसको हम लोग करते कैसे हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। अभी देखिए हमारे पास क्या है, ये है एंगल बी, एंगल सी और यह है एंगल ए। अब हम लोग करेंगे क्या बच्चे, इसको बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे ए पर, ये वर्टेक्स ए है ना, तो इस पर हम लोग बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, पैरेलल लाइंस खींचेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइंस वाला कंसेप्ट आपको पता होगा कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस होते हैं उसको एक इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट वगैरह इक्वल होता है, तो इसी कंसेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और यहां पे कंस्ट्रक्शन में वही लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बच्चे, तो कंस्ट्रक्शन में लिखने वाले हैं ड्रॉ यहां पे सी और डी ले लेते हैं, सॉरी डी और ई ले लेते हैं, डी और ई, तो डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, डी ई पैरेलल टू बी सी ड्रॉ कर लिए। ठीक है, प्रूफ करते हैं। अब यहां पे देखिए नंबर दे देते हैं 1, 2 और 3। अब आइए यहां पे हम लोग बात करेंगे क्या, यहां पे लिखने वाले हैं प्रूफ में, प्रूफ क्या लिखेंगे प्रूफ में, तो यहां पे देख सकते हैं कि वी हैव हमारे पास है डी ई पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो आप देख पाएंगे एंगल वन और एंगल बी लिख सकते हैं, एंगल वन इक्वल टू एंगल बी, ये कैसे होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली क्या करेंगे बच्चे, तो सिमिलरली लिखने वाले हैं कि यहां से देखिए फिर से DE पैरेलल टू BC एंड इस बार क्या है आपका AC इज ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो AC क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि एंगल थ्री और एंगल C ये इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए कोई भी स्ट्रेट लाइन पर सम ऑफ जितने भी एंगल्स होते हैं स्ट्रेट लाइन पे 180 से ज्यादा नहीं होता है, तो 180 होता है, तो हम लोग इसी का कंसेप्ट का इस्तेमाल करने वाले बच्चे। यहां पे देखिए क्या लिखेंगे कि वी नो दैट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज 180, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना क्या, इसलिए हमारे पास हो जाएगा बच्चे एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू हो जाएगा 180, और एंगल
देखिए एंगल वन के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, और एंगल टू के जगह पे, एंगल टू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, पूरा ए लिख सकते हैं, और यहां पे एंगल सी लिख सकते हैं, यानी कि यहां पे एंगल सी लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं, एंगल सी, ये हो जाएगा 180। अब इसको आप अरेंज करके लिख दो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू 180, यानी कि टोटल कितना हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू 180 प्रूव हो गया। और लास्ट में हम लोग समझ में आ गया तो लिख देंगे कि हेंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। स्माइल दीजिए। ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे जो भी थ्योरम्स हैं उसको वन बाय वन बताने की कोशिश करेंगे। इसको आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए ताकि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाए, और अब से कोई भी बोले कि कैसे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 होता है तो आप उसको प्रूव करके भी बता सकते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।